और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है? प्राइवेट वाले जितने लोग हैं प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन हालात खराब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं हम, एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफर को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकुलर ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ये बंद एक्टिविटीज बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो ये चार मोटे मोटे तौर पे निर्णय लिए गए। हम दिल्ली वालों ने हमेशा बड़ी से बड़ी मुसीबत का बड़े अच्छे से सामना किया है और मैं ये हमारी सबकी सांसों का सवाल है, हमारे सबके सेहत का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। मैं दिल्ली के लोगों से उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ कि सब लोग मिलके इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम से भी अच्छे से निपटेंगे। ये कठोर कदम जो हम उठा रहे हैं ये मजबूरी है और ये सब दिल्ली के लोग समझेंगे कि ये मजबूरी है, ये उठाना जरूरी है। सर, कोर्ट भी लगातार ये कह रहा है कि साल दर साल लगभग यही कहानी इस समय पर चलती रहती है, बहुत सारे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, फिर भी सूरत नहीं बदल रही है, इस समय पर वही स्थिति बन जाती है जो पिछले साल या दो साल पहले थी। सो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ सारी सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार काम कर रही है, अन्य राज्य सरकारें काम कर रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका समाधान निकलेगा। दिल्ली की तरफ से हम जो कर सकते हैं हम वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। सर, क्या सर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया जाएगा इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? अभी तो हम सारे एक साथ ही बैठे हुए थे, सारे ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम सारे फिर दोबारा। तीन दिन के लिए सर बंद किया गया? हाँ जी, अभी तीन दिन के लिए है, उसके बाद हम वो करके और फिर आगे लॉकडाउन लगाएंगे। वही मैंने कहा कि हम इस, ये बहुत एक्सट्रीम एक्टिविटी अभी तक ये कभी किया नहीं गया, तो हम ये कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये हमारा प्रस्ताव है और एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए। दो तीन बार हो चुका है व्हीकुलर पोल्यूशन, मतलब अब जैसे सरकारी दफ्तर जब सारे बंद कर दिए तो इसका इम्पैक्ट सरकारी गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, दिल्ली सरकार के सारे ऑफिसर्स बंद कर रहे हैं। फिर आप लोग भी घर से काम करेंगे? सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे अनलेस कोई जरूरी वो हो तो। सर, कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार सभी को मिलजुल कर बातचीत के लिए बुलाए, इससे बातचीत करेंगे। हम सब हम हमेशा तैयार हैं और हम सब मिलकर काम करेंगे। ये ऐसी चीज है जिसको जिसका समाधान, क्योंकि हवा जो है और पोल्यूशन जो है वो बाउंड्रीज नहीं देखता, उधर की हवा इधर आ जाती है, उधर का पोल्यूशन इधर आ जाता है, तो हम सब मिलकर काम करेंगे। दफ्तर भी एक हफ्ते के लिए बंद किए हैं सरकार? दफ्तर भी एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए, जो भी है एक हफ्ते के लिए। हाँ जी सर, क्या सेंटर को इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुला लेनी चाहिए दिल्ली और आसपास? सेंटर को जो भी करना है वो जरूर करेंगे। थैंक यू। तो सोमवार से सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है, 14 से 17 तारीख तक के लिए कंस्ट्रक्शन पर भी रोक है, यानी कहीं पे घर बन रहा है या कोई भी काम चल रहा है उस पर भी रोक लगा दी गई है। चार फैसले लिए हैं। लॉकडाउन की जहां तक बात है तो उन्होंने कहा कि एक एक्सट्रीम स्टेप होगा, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं, इस पर भी रिपोर्ट बना रहे हैं। तो सोमवार से सरकारी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद, वर्चुअल क्लासेस यानी ऑनलाइन क्लासेस चलते रहेंगे। दूसरा, जो जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ियों की तादाद भी अच्छी खासी है, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत कड़े शब्दों में ये बताया था कि सांसों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ऐसे में कदम उठाने की जरूरत है। हफ्ते भर के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यहां तक कि आपको बता दें कि जो कर्मचारी हैं वो घर से काम करेंगे, यानी वर्क फ्रॉम होम एक बार फिर से शुरू हो गया है दिल्ली के लोगों के लिए।
क्योंकि दिल्ली में अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का स्तर जो है AQI काफी ऊंचा चला गया है और यही वजह है कि सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। हालात इमरजेंसी जैसे हैं। लॉकडाउन पर उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा क्योंकि देश पिछले कुछ वक्त में करीब 1.5 साल में कई लॉकडाउन से गुजरा है जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियां, रोजी रोटी की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण के लिए किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है, वो भी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों के बाद दिल्ली सरकार ने एक बैठक की जिसमें उप मुख्यमंत्री के साथ पर्यावरण मंत्री, बाकी सारे मंत्री बैठे, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने वापस उस बैठक से निकलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। तो शरद शर्मा के पास भी हम चलेंगे, जो चार कदम हैं वो हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सोमवार से एक हफ्ते के लिए फिजिकल तौर पर बंद, यानी स्कूल्स, वर्चुअल क्लासेस चलेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है, सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करते हुए नजर आएंगे, प्राइवेट को भी वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि अगर आप घर से काम करने की सहूलियत दें अपने कर्मचारियों को तो बेहतर होगा। लॉकडाउन के लिए प्रस्ताव बनाएंगे, सारी डिटेल के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी बंद कर दिया गया है, सरकारी दफ्तर अभी केवल एक हफ्ते के लिए बंद किए गए हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर क्या कुछ हुआ है जरा उसको भी हम आपको विस्तार से बता दें। दिल्ली NCR में प्रदूषण के बिगड़े हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणियां की जिसके बाद आज ये आपात बैठक सचिवालय में हुई जिसकी अध्यक्षता केजरीवाल ने की, कई कदम उठाए। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा वो बताते हैं। दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, दिल्ली और केंद्र सरकार से SC ने जताई नाराजगी, 2 दिन का लॉकडाउन या कुछ और सोचे, चीफ जस्टिस ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दी 2 दिन के लॉकडाउन लगाने की सलाह, किसानों से पराली क्यों नहीं लेती सरकार, केंद्र सरकार से उन्होंने कहा कि आप पराली क्यों नहीं खरीदते, हर बार किसानों को दोषी ठहराना एक फैशन बन गया है, किसानों को दोषी ठहराने के बजाय उन्हें मदद दें, पराली पर पंजाब हरियाणा सरकार से बात करें, केंद्र को नसीहत, 2 से 3 दिन में AQI स्तर नीचे लाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान देने की के लिए कहा है, केंद्र 15 नवंबर को आपातकालीन योजना लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी केंद्र सरकार को आके बताना पड़ेगा कि वो क्या कदम उठा रहे हैं, वाहन उद्योग और धूल जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, उससे निपटे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इमरजेंसी मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करे केंद्र, राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की अभी जरूरत है, जिस तरह के हालात दिल्ली में, बैन के बावजूद पटाखे फूट रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे इंप्लीमेंट करवाने में नाकाम रहा था। दिवाली की दूसरी सुबह बाकी सालों की सुबह से ज्यादा बुरी थी, सभी स्कूल खोल दिए गए, दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पूछा, अब उस पर केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है, 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 15 नवंबर को प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी तो देखना होगा कि केंद्र और राज्य यानी दिल्ली सरकार अपने उठाए कदमों को लेकर क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है। आशीष भार्गव ने जो पिटिशनर है उनसे बात की है वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली और NCR में प्रदूषण के जो हालात हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर नाराजगी जाहिर की और कहा है इमरजेंसी हालात हैं, इमरजेंसी कदम उठाने की जरूरत है, हर बार किसानों को दोषी ठहराने का फैशन बन गया है, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे छोटे छोटे सड़कों पर हैं, उनके फेफड़ों की बात है लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नहीं हो रहा। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता हैं आदित्य दुबे, उनके वकील निखिल जैन साहब, सर एक बड़ी सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट क्यों इतनी शक्ति दिखा रहा है, क्या कह रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई हुई उसमें शक्ति इसलिए दिखलाई है क्योंकि जो हालात हैं, प्रदूषण इतना भर गया है, घर में भी मास्क पहन के रहना पड़ता है, कोर्ट का ये भी व्यू था कि घर में बैठ के मास्क पहनते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खोल दिए गवर्नमेंट ने, डेंगू बढ़ रहा है, कोविड है, इन सबको रोका कैसे जाए, उन्होंने अल्टीमेटम कराया और मंडे को मैटर लगाया कि 2 दिन के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सो दैट पोजीशन काबू नियंत्रण में आ जाए। ये भी कहा है कि लॉकडाउन 2 दिन का लॉकडाउन या ऐसे कुछ, हाँ ऐसा भी कहा है कि ऐसा ऑड इवन करें जैसे भी करें जिससे कि बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली बोला कि 2 दिन के अंदर आप इस नियंत्रण करें तुरंत ही। तो आगे अब क्या सुनवाई होगी, केंद्र सरकार क्या कह रही थी? केंद्र सरकार ने काफी चीजें बताई कि उन्होंने पराली रोकने के लिए
मशीनें लगाई हैं, बट वो संतुष्ट नहीं थे, आंकड़े ठीक से नहीं दे पा रहे थे। और अब दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि इतने जो दिवाली पे जबकि बैन था उस पर पटाखों पर, तब भी 7 दिन से पटाखे बज रहे हैं, उससे ही बढ़ रहा है, वो क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, क्या कर रहे हैं दिल्ली सरकार के? तो ये भी किसानों की बात हुई है कि पराली सिर्फ किसानों को दोषी नहीं ठहराना। हाँ, ये भी कहा था कि सिर्फ किसान दोषी नहीं है, और भी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ हैं, फायर वगैरह है, जो रोड पर चलती गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सारे, इट्स ऑल कम्बाइंड थिंग। तो साफ तौर पर जो सोमवार है, एक अहम सुनवाई होगी और कुछ ना कुछ ठोस लेके आना होगा। आज 4:30 बजे या शाम को उन्होंने कहा है कि मीटिंग है सारे केंद्र सरकार और सारे सचिव की, अब देखते हैं मंडे को क्या करते हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ी सुनवाई सोमवार को होनी है, सरकारों की परीक्षा है और परीक्षा लेने वाली खुद देश की सबसे बड़ी अदालत है। नई दिल्ली से प्रसाद के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। क्योंकि लगातार व्हीकल भी बढ़ रहे हैं और पराली भी जल रही है, लगातार जो प्रदूषण के कारण तो बढ़ते रहेंगे, हर साल बढ़ेंगे, क्योंकि व्हीकल जो है हर साल दिल्ली में लगभग डबल हो रहा है, तो कहाँ जाएगा उसका प्रदूषण तो ये रहेगा। और ये तो मैं कहता हूँ कि आगे भविष्य में बढ़ता रहेगा अगर जागरूक नहीं हुए तो। पिछले 3-4 सालों से ये हो रहा है कि ऑड एंड इवन का जो चल रहा है उससे इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑड इवन जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक तो ये पराली वगैरह चलाने का जो समय होता है ना वही ख़त्म हो जाता है। तो ये जो बेसिक दिवाली से पहले और दिवाली के जो हफ्ते बाद तक है, फिर छठ पूजा, ये सब चीज़ें, मतलब मेन इशूज, मेन जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का वो ये है। सर मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे धुंध नज़र आ रही है ना, थोड़ा आने में तो वैसे सांस लेने में थोड़ा वैसे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पर मतलब जैसे जैसे धूप निकल जा रही तो पोल्यूशन को थोड़ा कम होता जा रहा है, अदरवाइज तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फिलहाल तो नहीं हो रही। व्हीकल्स को कम करा जा सकता है, ऑड इवन इज रियली गुड आइडिया, मैं ये कहता हूँ कि हाँ ऑड इवन चले या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लो, मैं मेट्रो के थ्रू कम्यूट करता हूँ, नॉट एन इशू। हाँ, व्हीकल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, 100% अच्छा आइडिया। शरद शर्मा है हमारे साथ इस वक्त, जो इस मीटिंग में भी मौजूद थे जब केजरीवाल प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने भी उनसे एक सवाल पूछा था। शरद, जो कदम उठाए गए वो तो एक बार फिर से आप दर्शकों को बता ही दीजिए, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, साल के इस वक्त में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, तैयारियां पहले से क्यों नहीं होती, और जब आफत दरवाजे खड़ी होती है तो हम दरवाजा बंद करके बैठ के अंदर से कुछ सुझाव दे रहे होते हैं, एक बार फिर से वही किया गया है। शारिक, पहले बता देता हूं कि आज क्या फैसले किए हैं दिल्ली सरकार ने। सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए सोमवार से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बंद का मतलब यह है कि फिजिकल अब कोई बच्चा जो है स्कूल नहीं जाएगा, ऑनलाइन क्लास होंगी 14 से 17 नवंबर के लिए। दूसरा कदम यह है 14 से 17 नवंबर, क्योंकि यह आशंका है उस दौरान हवा की गति बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो प्रदूषण और बढ़ सकता है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उसको जो है 14 से 17 नवंबर के लिए बंद कर दिया गया है। सभी सरकारी दफ्तर जो दिल्ली सरकार के हैं उनको बंद कर दिया गया है। बंद करने का मतलब यहाँ पर यह है कि सबको वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है, और जो प्राइवेट दफ्तर भी हैं उनको भी जो है ये सलाह दी गई है, आदेश नहीं है लेकिन सलाह दी गई है कि वो भी दफ्तर बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम लोगों से करवाएं, कर्मचारियों से करवाएं। और चौथा ये बताया गया है कि लॉकडाउन जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि 2 दिन का लॉकडाउन आप लगा लीजिए, लगा सकते हैं, तो उस पर एक पूरा विस्तृत रिपोर्ट बनाकर दिल्ली सरकार पेश करेगी, जिसमें बताएगी कि क्या क्या किया जा सकता है और अगर क्या किया जाएगा तो किस तरह के परिणाम जो है हमारे सामने आ सकते हैं। ऐसा इसलिए भी करना पड़ रहा है शारिक कि लॉकडाउन से पहले ही दिल्ली के लोग परेशान हैं, कोरोना के चलते बहुत लंबे लॉकडाउन जो है दिल्ली ने झेले हैं, तो एकदम सीधा लॉकडाउन लगा देना कितना घातक हो सकता है वो भी जो है सोचने की ज़रूरत है। समस्या ये है शारिक कि होता क्या है, दिल्ली का अपना प्रदूषण तो जो है सो है ही, वो कहीं जाता नहीं है, वो लगभग यहीं रहता है। होता क्या है कि इस समय पर क्योंकि जो हवा में नमी है वो बढ़ जाती है क्योंकि ठंड होती है, और हवा की जो गति है वो कम हो जाती है, तो इस समय पर जो पहले से ही दिल्ली प्रदूषित है वहाँ पर जब बाहर पराली जलती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है कि पराली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है दिल्ली के पोल्यूशन में है, तो वो जो धुआं है वो भी दिल्ली की तरफ आ जाता है, तो जो दिल्ली पहले से प्रदूषित है उसमें पराली का भी प्रदूषण आ जाता है और हवा कम चल रही होती है, तब ये सारी समस्या बन जाती है। तो अब इसको आप मौसम का तो कुछ नहीं कर सकते, तरीका यही है कि आप किसानों को जो है प्रोत्साहित करें कि वो पराली ना जलाएं, पराली जलाने के बजाय कुछ और विकल्प उनको दिया जाए।
होता है, जहां जहां कंबाइन यानी कि मशीन से जहां पर कटाई होती है धान की फसल की, वहीं पर सबसे ज्यादा ये समस्या आती है कि किसानों को अपनी फसल, जो बचा हुआ हिस्सा होता है धान की फसल का, वो जलाना होता है। लेकिन साल दर साल वही कहानी चले जा रही है कि दिल्ली, देखिए हम कहें कि क्या दिल्ली ने अपना पोल्यूशन लेवल कम कर लिया है, थोड़ा बहुत सुधार पहले के मुकाबले जरूर हुआ होगा, लेकिन जो वाहन बढ़ते चले जा रहे हैं वो जो थोड़ा बहुत भी कम हो रहा है उसकी वजह से भी कोई असर जो है बहुत ज्यादा आबो हवा पर होता हुआ नहीं दिखता। तो जब तक दिल्ली और केंद्र मिलकर जो है, और पंजाब सरकार भी हरियाणा सरकार भी मिलकर जो है एक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, ये कहानी 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आज भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और यही हाल रहेगा तो अगले साल फिर यही हम जो है रिपोर्ट करते मिलेंगे, क्योंकि सब जब तक सब नहीं मिल जाएंगे तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। शुक्रिया शरद इस रिपोर्ट को हम तक लाने के लिए, हम आप तक वापस फिर लौटेंगे। तो दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत और टिप्पणियों के बाद। अब यूपी से जुड़ी, यानी यूपी में चुनाव होने हैं तो उसको लेकर तैयारियां हैं, रैलियां हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं, उसकी खबर अब आपको दिखाते हैं। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने आज समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जिस आजमगढ़ को पहले कट्टरवादी सोच का अड्डा माना जाता था, अब वो शिक्षा के लिए जाना जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी JAM लेकर आए, जे से जनधन, ए का मतलब आधार और एम का मतलब हर हाथ में मोबाइल। वहीं समाजवादी पार्टी के JAM का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। साथ ही गृहमंत्री ने कहा योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। सो करके दिखाया रही है उत्तर प्रदेश में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने, ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर, जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टिकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मोदी जी ने एक JAM लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी JAM लाए हैं। उनके JAM का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने, जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जनता इनकी सरकार से निराश, इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि पहले से घटी, आज गरीबों की जेब काटी जा रही है, महंगाई कम करने की बजाय बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर हैं, सरकार अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर से आज समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान हजारों लोग अखिलेश यादव की इस रथ यात्रा में शामिल हुए। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में, जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं है, किसान की आय घटी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है, इस अर्थव्यवस्था में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, नौकरी जहां मिलनी थी वो संस्थाएं बेची जा रही हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो हमें आरक्षण से हक और सम्मान मिलता था, अगर संस्थाएं बिक जाएंगी तो नौकरियां और रोजगार कहां पर होंगे।
मणिपुर में सेना के काफिले को निशाना बनाए जाने की खबर है। मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला किया। उग्रवादियों ने यह हमला घात लगाकर किया। इस हमले में असम राइफल्स के सीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। इसी हमले में असम राइफल्स के सीओ की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर ट्वीट किया, मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुआ कायराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने सीओ और उनके परिवार के 2 सदस्यों समेत 5 वीर सैनिकों को खो दिया है। पिछले कुछ वक्त में देखें तो कंगना रनौत ने जब जब कुछ कहा उस पर एक बड़ा विवाद हो गया और एक बार फिर से एक विवाद को उन्होंने जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि असली आजादी जो है वो 1947 में नहीं मिली थी, वो भीख में मिली थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। उनके इस बयान पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आज मुंबई के अंधेरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना से पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग की। रनौत ने कहा, एक बार फिर से बता दें, 1947 में मिली आजादी भीख थी, असली आजादी 2014 में मिली। तो इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं। किसी ने कहा कि इस पर गुस्सा जताएं, माफी की मांग करें, या फिर कहें कि जिसे आपने पद्मश्री दिया है सरकार ने, वो ऐसा सोचती है तो उसका पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाए। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर हैं जो आप एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि इस पर मामला भी दर्ज होना चाहिए। क्या कुछ कहा है इस पर आपको वो बताते हैं, तो वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि कंगना रनौत का एक और बयान नए विवाद को जन्म दे गया। एक महिला थी, उन्होंने तो ये तक कह डाला था कि लीज पर मिली है आजादी 99 साल की, और अब उससे 2 कदम आगे जाते हुए उन्होंने 2014 में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बनने के वक्त को मिली असली आजादी बताया, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन हुआ।